दोस्तों डबल एक्सल नाम से एक ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसमें सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी आपको देखने को मिलने वाली हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करते हुए नजर आएगी, लेकिन कितने अच्छे तरीके से स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक कर पाती है ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। बेसिकली ये 4 नवंबर को फिल्म रिलीज होने वाली है। 2 घंटे 10 मिनट की फिल्म ये ड्रामा और कॉमेडी से भरपूर होगी, जिसमें काफ़ी स्ट्रगल करता हुआ इन दोनों एक्ट्रेसेस को दिखाया गया है। चलिए डिटेल रिव्यू करते हैं इस वीडियो में। बेल मेरा नाम शोभित यादव, इस चैनल पर हम रिव्यू रिएक्शन और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। दोस्तों इस ट्रेलर की सबसे अच्छी लाइन मुझे लगी, दुनिया टैलेंट का साइज नहीं देखती बल्कि शरीर का साइज देखती है और उस पर कमेंट करती है। दोस्तों यही लाइन मुझे अच्छी लगी, इसके अलावा ट्रेलर मुझे बहुत ज़्यादा खास नहीं लगा। वैसे अगर ट्रेलर की शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में हुमा कुरैशी को दिखाया जाता है जो कि सपना देख रही हैं, और सपने में शिखर धवन को देख रही हैं जो कि उनके साथ डांस करना चाहते हैं। उनका सपना ये इसलिए आता है क्योंकि वो क्रिकेट की होस्ट बनना चाहती हैं, और इसी बीच उनके कई सारे शादी के रिश्ते आते हैं जिसमें उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो मोटी हैं। फिल्म का नाम डबल एक्सल है और उससे पता लगाया जा सकता है फिल्म में क्या कुछ होने वाला है। वहीं दूसरी साइड में सोनाक्षी सिन्हा को दिखाया जाता है जो कि अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रही हैं सिर्फ अपने शरीर की वजह से। कई सारे इंटरव्यूज़ में वो फेल होती हैं और अचानक से एक जगह पर जाकर एक वॉशरूम में ये दोनों लोग मिल जाते हैं और एक दूसरे का दुखड़ा सुनाते हैं, और बस यही सब कुछ आपको फिल्म में देखने को मिलने वाला है। दोस्तों क्या लगता है आपको, ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए थी क्या? स्टोरी इतनी खास है जो कि ये आनी चाहिए थी? इससे अच्छा तो आप कोई डॉक्यूमेंट्री टाइप की बना देते 20 से 30 मिनट की, चल जाता आराम से, मोटिव आपका सक्सेसफुल हो जाता। लेकिन इसमें जिस तरीके से 2 घंटे 10 मिनट में छोटी छोटी चीज़ें दिखाने की कोशिश करिए, मुझे लगता है पब्लिक ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगी। देखो यार, स्टोरी ज़्यादातर तो ट्रेलर में पता चल ही चुकी है, और इसके अलावा किसी के भी अंदर से इतनी भयंकर वाली फीलिंग नहीं आएगी कि चलिए 4 नवंबर को चलते हैं सिनेमा हॉल में और डबल एक्सल मूवी देखते हैं। तो आप लोग भी डिसाइड कर लीजिए कि आपको ये फिल्म जाकर सिनेमा हॉल में देखनी है या नहीं। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ मूवी को, अगर आपको इंटरेस्ट है तो जरूर देखिए, अच्छी लगती हैं सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी। इसके अलावा वैसे तो बहुत ज़्यादा कुछ फिल्म में होने वाला नहीं है, और जहाँ तक है ये फिल्म भी फ्लॉप की कैटेगरी में पक्का जाने ही वाली है। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना है। कमेंट करके भी बता देना अगर आपको अच्छी लगी हो तो।